नाम पप्पू जी जाकर है। पप्पू जी जाकर कहाँ से आते हैं आप? हम गांव से आते हैं, गोविंदगढ़ से। अच्छा, लाला राम जी। तो आप दूध लेके आते हैं? हाँ। तो कितना दूध लाते हैं यहाँ पे? दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जैसे आपने टाइटल में देखा, दूध मंडी। जी हाँ, जयपुर में दूध मंडी लगती है। सामने जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये सिग्नल दिखा रहा है, ये दूध मंडी इसको बोलते हैं। सिग्नल का नाम ही दूध मंडी है। और ये इलाका आप देख लीजिए, ये सामने जो बिल्डिंग है ये बनी पार्क का इलाका है। और ये सामने जो रोड आ रही है, ये चौमू पुलिया की तरफ से रोड आ रही है। और ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं इधर, आगे चांद पोल की तरफ ये गाड़ियाँ जाती हैं। सिग्नल से यदि लेफ्ट घूमते हैं तो शास्त्री नगर को रास्ता निकलता है। इस रास्ते पे ये दूध मंडी है, ये पूरा इलाका। और ये इसके अंदर ये आप देखें, दूध की टंकियाँ लगे हैं लोग बेचने के लिए, ले जाने के लिए। कोई गाड़ी में डाल रहा है, कोई साइकिल पे लेके जा रहा है। ये देखिए, यहाँ भी ये दूध की टंकियाँ रखी हुई हैं। और ये सब किसान जो दूध लेके आते हैं, अभी ये दूध बेच के कुछ बैठे हैं, कुछ सो गए हैं और टंकियाँ साफ़ कर दी हैं। ये देखिए, इनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम पप्पू जी जाकर है। पप्पू जी जाकर कहाँ से आते हैं आप? हम गाँव से आते हैं, गोविंदगढ़ से। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना दूध लेके आते हैं आप? तीन चार टंकी लेके आते हैं। 200 लीटर मान लो। 200 लीटर रोज आते हो? रोज आते हैं। रोज तो डेली आप भी लाते हो? सब लाते। कहाँ से? अस्तेड़ा से। अच्छा अच्छा, तो ये सब किसान जो है अपना अपना दूध लेके आते हो। रोज बिक जाता है? बिक जाता है। और क्या भाव बिकता है? डेली का भाव होता है। अच्छा, जैसा माल वैसा पैसे। अच्छा, फिर भी लमसम जैसे भैंस का दूध है वो लमसम किस भाव होगा? भैंस का दूध 50 रुपए किलो मिल रहा है। 50 के करीब, 50 के करीब बढ़िया दूध मिलता है। 50-60-55 ऐसा है। अच्छा, गाय का दूध 40, गाय का 40 है। अच्छा, ये तो ये प्योर आता होगा? एक नंबर का ताजा दूध, ताजा आता है बिल्कुल। रोज रोज नया दूध आता है, ताजा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फैट फैट के हिसाब से उसका प्राइस होता है, जांच होती है उसकी। और ये इसके अंदर ही ताजा आता है, ऐसे नहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा का लगा हुआ। और ये महादेव का अंदर मंदिर भी है, दुधेश्वर महादेव। ये लो, ये सब पूरा हिसाब किताब है। ये बाबा जी लगे हुए हैं, ये दूध लेके आते हैं। बाबा जी थोड़ा बताएं, दूध मंडी के बारे में बताएं। हाँ बोलो जी। ये आप कहाँ से हैं? हम तो आते हैं डेगुड़ा गांव है, जालसु के पास। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? लाला राम। लाला राम जी। हाँ। तो आप दूध लेके आते हैं? हाँ। तो कितना दूध लाते हैं यहाँ पे? मैं तो 3 मण 4 मण लाता। 3 मण 4 मण, इस टंकी में कितना मण आता है? 40 किलो। 40 किलो। तो कितनी टंकी लेके आते हैं? 3 टंकी। 3 टंकी, ऐसे ही कितनी टंकियाँ यहाँ आती होंगी रोज की? कितना दूध आता होगा? 2000 टंकी। 1000 टंकी आती है और वो बिक जाती है? हाँ, डेली डेली बिक जाती है। तो क्या भाव? मावा के तेल से बिकता है। हाँ जी, मावा के तेल से बिकता है। मावा के तेल से बिकता है 250 ग्राम मावा के तेल से, जैसे 2500 रुपया, 2600 रुपया, 2400 रुपया, डेली का भाव होता है। अच्छा, रोज का ही भाव है? रोज का भाव होता है। डिमांड ज़्यादा होती है तो तेज हो जाता है, डिमांड कम होती है। अच्छा, तो उसको मतलब कैसे वो जांच करते हैं कि उसकी जांच? बिल्कुल मशीन लगी हुई है। अच्छा, मशीन से जांच कर? बिल्कुल, और कोई भी आओ, ग्राही का आओ। आपका नाम बताएं? आपका नाम बताएं? मेरा मनीष चौधरी। इधर थोड़ा अंधेरा आ रहा है, इधर अभी ठीक है। मनीष चौधरी, तो आप भी दूध लाते हैं? कितना लाते हैं? मैं लाता हूँ 2 टंकी। 2 टंकी लाते हैं ऐसे ही, मतलब कोई 2 टंकी, कोई 3 टंकी, कोई 5, कोई 10, ऐसे लाते। 5-10। तो आप अपने घर का लाते होंगे? ना ना, हाँ, गाँव से निकलवा के लाता हूँ, डेयरी से लाता हूँ। अच्छा, घर का भी होता है? अच्छा अच्छा, वो रोज बिक जाता है? रोज आते हो? अच्छा अच्छा, तो कितना मतलब कितना दूध आता है यहाँ पे रोज का? यहाँ पे रोज का ज्यादा 800-1000 टंकी आती है पूरी। 800-1000 टंकी आती है एक टंकी में? पूरे जयपुर में यहीं से सप्लाई, पूरे जयपुर की सप्लाई यहीं से होती है। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो बहुत बड़ी मंडी है ये, दूध की बड़ी मंडी है, पूरे जयपुर की यहीं से सप्लाई होती है। वो ठंडा दूध क्या है शादी के दुकानदार के चलता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ताजा दूध आता है, ताजा दूध होता है। अच्छा अच्छा, सुबह निकाल के फिर लेके आते हैं। हाँ, सुबह निकाल। तो ये सुबह सुबह लगती है, शाम को भी लगती है? शाम को भी लगती है, लेकिन शाम को थोड़ा। अच्छा, शाम को कम आता है। 200 टंकी आती है। अच्छा अच्छा, तो सुबह में पूरा मतलब भर जाता होगा ये? पूरा टंकी आते हैं, वैसे ही चला जाता है। अच्छा, बिकता रहता है, जैसे गाड़ियां आती है बिकता रहता है, फिर आधा दूध तो दुकानदारों के फिक्स है। अच्छा अच्छा, कोई एक दो टंकी जैसे मंगाते हो तो फिक्स हो गया, वो तो उनका ही है। हम मिठाई वाले मंगाते हैं। हां हां, बाकी दूध डिमांड होती है, वो याद ही जाना है उनका, तो भाव फिक्स हो जाता है। भाई भाई में जाना भी किया तो सही के लिए मंगा लेते हैं। अच्छा, कोई भाई आज कोई टूट रहे पार्टी डिमांड के लिए। अच्छा, डिमांड जितनी डिमांड है उस हिसाब से। अच्छा, डाउन हो जाती है तो डाउन। तो कितने बजे शुरू हो जाती है मंडी? ये 7:30 साढ़े पाँच बजे। अच्छा, 5:30 बजे दूध आ जाता है यहाँ, और फिर अभी कब तक चलेगा ये? 11 बजे तक। 11 बजे तक बिकता रहता है यहाँ पे? 10:30-11 तक। तो आप अपने अपने साधन से आते होंगे, जैसे ये पिकअप है, किसी के पास पिकअप होगी? ज्यादातर पिकअप सापरा तहसील से आते हैं। सापरा से आते हैं? अच्छा अच्छा, काफी दूर से आते हैं। तो बहुत किलोमीटर दूर से खाटू का दादा। तो हम तो 9 बजे। आप खाटू से आते हैं? नहीं, मैं तो खाटू से ही। दाल तो आपने देवड़ा है ना, मैं पंचायत। हां हां, अच्छा, तो खाटू तक की गाड़ी आती है काफी दूर दूर पास से आती है गाड़ी, रिंगस से, खाटू श्याम जी से, मतलब दूर दूर से। और आप जैसे सापुरा से बता रहे हो? अच्छा, सापुरा का दूध प्रसिद्ध है, मतलब गुलाबबाड़ी के नाम से। अच्छा, सापुरा गुलाबबाड़ी का दूध फेमस है। 3-4 गाड़ियां आती है। तो यहाँ क्या गाय का बिकता है या दूध भैंस का? गाय का अलग बिकता है, भैंस का। अच्छा, गाय का अलग होता है, भैंस का है। तो उसका क्या भाव है गाय का? क्या भाव? 40-45। गाय 40-45। देसी गाय होती है? देसी गाय टोटल गाय। अच्छा, टोटल मिक्स गाय आता है? मिक्स भी आता है, देसी है ही नहीं। देसी तो है नहीं, देसी कम। हाँ हाँ हाँ, देसी गाय, देसी नहीं है अभी, मिक्स है, कुछ होंगे। हाँ, मिक्स आता है, कुछ देसी आता है, वो थोड़ा बद्दा बिकता है। अच्छा, अलग आता है, प्योर भैंस का वो थोड़ा। अच्छा, भैंस का वो महंगा बिकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी। बाकी यहाँ मावेसी बिकता है, फैट से बिकता है दूध, मावेसी और फैट से बिकता है। जैसे ग्राहक आता है तो टंकी के अंदर हाथ जमा कर लेता है, टंकी में 2 किलो पानी घेर लिया, कड़ेगा तो कट जाएगा 2 की जगह 3 किलो। अच्छा अच्छा, पानी डाला हुआ तो काट देंगे, पानी का दूध नहीं चलेगा, प्योर चलेगा। हाँ, तो कट जाएगा पहले। अच्छा, किसी ने डाल दिया तो वो कट जाएगा, तो पता चल जाता है उसका? अच्छा अच्छा अच्छा, मशीन को पता चल जाता है? वाह, जैसे मावा बनाते हैं ना, दुकान वाला मिठाई बनाता है, तो मिठाई कम बैठ, 1 किलो 250 ग्राम मावा बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी, ठीक जी भाई साहब। ये सब यहाँ पर लोग अपना अपना दूध लेके आते हैं। ये भाई साहब भी आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाबूलाल जी। आप ये दूध लेके आएंगे? हाँ। अच्छा, बेच दिया आपने? ये आपकी टंकियाँ हैं? अच्छा अच्छा, वाह जी। तो ये है जी हिसाब किताब यहाँ का, दूध मंडी का। ये सब दूध लेके जो आते हैं वही व्यापारी लोग हैं, किसान हैं जी। बढ़िया आता है दूध मंडी के, बढ़िया दूध मिलता है यहाँ पे, बढ़िया दूध आता है यहाँ। अच्छा, ये ज़्यादा दूध लेके आते हैं, ऐसे ही सब अपना अपना दूध लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। ये भाई साहब भी आए हैं, आप भी दूध लाते हो क्या? दूध लेके आता हूँ, 14 टंकी। अच्छा, ये 14 टंकी लेके आते हैं। ये देखो, ये सब अपने अपने टंकियाँ जो है अभी खाली हो गई है, तो धो रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और ये पूरा दूध मंडी है। मंडी में आप जहाँ भी देखेंगे आपको दूध की टंकियाँ ही टंकियाँ दिखाई देती हैं। चारों तरफ लोग लगे हुए हैं, बेच रहे हैं, और जिन्होंने बेच दिया वो अपना सफाई करके लेके जा रहे हैं, कल फिर लेके आएंगे। और ये आप देखें यहाँ पर, ये देखें पिकअप में, गाड़ियों में अपना लोड करके रखा हुआ है और धो रहे हैं, लगे हुए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये धो रहे हैं। और ये पूरा चारों तरफ आपको दूध ही दूध, दूध की टंकियाँ ये दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।